भूल रे भी ए गाँव रे पादकु रखंतुनी। गाँव रे रहिछि जमपुरकु रास्ता। एही गाँव को जीबा आपणक पई पड़ी पारे महंगा। खाली राती बेला नुहे दिन बेला भी एही गाँव को जीबा को होइछि बारण। गाँव रे लुचि रहिछि भयंकर एवं लोमहर्षणकारी कहानी। ए होउछि भारतर सबुठारु भयंकर गाँ जहार ना शुणिले आखपाख लोक थरी उठंती। गाँ पलटिछि मशाणी भुई। गाँव रे रहिछि अतृप्त आत्मा मानंकर आडास्थळी। अतृप्त आत्मा मानंकर आतुर चित्कार रे संपूर्ण अंचल हो जाए थरहर। तेबे ए गाँ को बुलिबाकु जाउथले होइ जांतु सावधान। दर्शक बंधु आपण एही गाँ को बुली जीवा को प्लानिंग करुछंती कि तेबे हुशियार जीवा पूर्वरु से स्थान विषय रे भल भावे जानी नियंतु। नहले बुलिबाकु जीवा आपणक पई साजी पारे काळ। से गाँ को जाई मजा करिबा आपणक पई सजारे पालटी जाई पारे। एही गाँ पछरे रहिछि एक कोळा अध्याय जहाकु जानिले आपण भी भयभीत होई जिबे। आपणक देह मध्य भरे सितेई उठिबो। से गाँ गोटे गाँ नुहे आज्ञा से होची मृत्युर द्वार। जी भूल रे भी राति समय रे ए गाँ को जाई से केबे आउ फेरिबार बाट ही नहीं। आउ एपरी एक भयंकर स्थान को जीवा को बारण मध्य करा जाई। तेबे जानिछंती कि कौन रहिछि एहार रहस्य काहे के ए गाँ को अभिशप्त गाँ बोली कहा जाए। तेबे आसंतु जानिबा ए गाँ विषय रे। दर्शक बंधु भारतर जो सब भयंकर स्थान रही सहित यह गाँ मध्य सामिल रही। लोक मानकर कहिबा अनुसार यही गाँव में भूत रुहति केते बेले राति रे महिला मानकर चुड़ीर शब्द शुभुवा बेले तो आउ केते बेले पुणी सुबे छोट पिलार कांदिबार शब्द पुणी आउ केते बेले कष्ट आउ जंत्रणार जर्जित विकल चित्कार। ए सब देखि सेठाकर सरकार यही जगह को राति समय रे नजिबा पई बारण मध्य करिछंति। दिन बेला पर्यटक मैंने यठाक जाऊवा बेले चारिटा बाजिला मैंने साधारण लोक तो दूर कथा गार्ड मैंने भी जगार रुहती ना। यही गाँवर परेश पूरा सुनसान चारिड़े खा खा जुआड़े चाहिए सियाड़े छोटर बड़ घर सबु रही विभिन्न देवादेवी मान मंदिर हेले ना से मंदिर ठाकुर अच्छा ना से घरे मनीष रोचा पूरा गाँ मशाणी भूपरी पड़ रही। आज्ञा गाँव में घटी से ही बर्बर लोमहर्षणकारी घटन ए गाँ रही भंगा ददरा घर गुड़िक तार मुख साखी। भारत एमती अनेक स्थान रही जोठी अनेक रहस्य लुचि रही। गोटे हूँ राजस्थान में अवस्थित गोटे छोट गाँ जार ना हूँ कूलधारा। लोक मान कहवा अनुसार यही गाँ बहुत वर्ष धरी अभिशप्त हो पड़ रही। तेब यही गाँव एमती कौन होता जे राताराति गाँव रोक मैंने हठात गायब हो जाते आड़े गले तार कि पता मिलून कहीं गाँव एमती अचानक जनशून्य हो गला जे आँ एम गाँव में घटी जो आज जाए गाँव में कहीं भी रोना। बारश एकानबे मसीह गाँ पालीवाल ब्राह्मण मान द्वारा स्थापन कर ब्राह्मण मानक एक समृद्ध गाँ था यही कूलधारा। कूलधारा ब्राह्मण मानक मध्य एक जाति गोष्ठी थिला। कृषि पई एही गाँवर लोक मैंने कक्कनी नदीर जल एवं कूर जल मध्य व्यवहार करुले। हठात 1815 सुधा एही गाँवर कूगुड़िक सुखिबा को लागिला। एही कारण सेठिकार निष्ठुर मंत्री सलीम सिंह अत्याधिक टिकस आदाय कर गाँवर अवनति घटाइले। मंत्री अत्याचार रे लोक अतिष्ठ हो गाँवर जनसंख्या धीरे धीरे कमिबा को लागिला। हेले हठात 1825 मसीहा दिन एमती एक भयानक घटना घटला जहाँफल राताराति जनशून्य हो जाता यही गाँ। तेरे भयानक घटना घटा पचर कौन रही कारण शुणी नियंतु। से ही दुष्ट मंत्री खराब नजर कूलधारा गाँवर जड़े ब्राह्मण झीवर पड़ता आउ से मंत्री झीटी को पाइबापी कूट चक्रांत कर चलला आउ सबु सीमा पार होगला। झीटी को पाइबापी जोर जबरदस्त कर विफल होता सलीम सिंह। तेणु झीटी को भलरे भलरे हाथ को टेकि नदे से झीटी को जबरदस्त टेकिनेब बोली धमक
ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏପରି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ନିରୀହ ଝିଅଟିକୁ କିପରି ଟେକିଦେବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଝିଅଟିକୁ ସେ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ କିଛି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଗାଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 84 ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ଗାଁ ନିର୍ଜନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଲୁହଲହୁ ଲଗାଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ସମୃଦ୍ଧି କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେ ଗାଁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଗାଁରେ କେହି କେବେ ରହିବେନି। ଯଦି କେହି କେବେ ସେଇ ଗାଁରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏଇ ଗାଁ ଏମିତି ନିର୍ଜନ ନିଶାବ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ମାଟିର ଦୁବଟିଏ ବି କୌଣୁ ନାହିଁ। 200 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାକୁ ଆଜି ବି ସତେଜ କରି ପକାଉଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୂଳ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ କେହି ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଗାଁରେ ଏପରି ଭୂତକୋଠି ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଭୟରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମତାମତ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।